चलते हैं इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद फिलहाल मेरा इंटरव्यू हो गया, देख सकते हैं पीछे बैक साइड मारुति सुजुकी अरेना, इसी में आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, देख सकते हैं ये शोरूम। तो अभी के लिए बोला गया सारा इंटरव्यू में यही पूछा गया कि आप इससे पहले क्या कोई सेल्स में काम किए थे, बोला आप क्यों इसमें काम करना चाहते हैं। तो हमने हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का डेट होने वाला है 8 अप्रैल और अभी हमें कोलकाता में देख सकते अभी हाथी बागान में है और आज हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए एक शोरूम में जो कि होने वाला है मारुति सुजुकी अरेना, जो कि अगरपाड़ा में है, यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है। तो अभी यहाँ से देख सकते हैं बस मिल जाएगा शायद, देखते हैं वेट करते हैं बस का, अगर बस मिल गया तो ठीक है, वरना हमको 100 मेट्रो से बस लेना पड़ेगा। आज काफ़ी अच्छा मौसम क्या देख सकते हैं, पूरा बादल बादल किया हुआ है और मौसम काफ़ी ही सुहाना है। तो देखते हैं क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल बस के लिए वेट करते हैं, यहाँ पे 1 घंटा है मेरे पास और अभी भी बस हमको कहीं दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या लेट हो जाएंगे क्या, क्योंकि इंटरव्यू में तो लेट नहीं होना चाहिए। बाकी जाके देखेंगे, इंटरव्यू देने के बाद साथ साथ जॉब भी देखेंगे क्या काम करना पड़ेगा, कि वो बोल रहे थे शोरूम से ज़्यादा मतलब सेल्स प्रमोशन के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा, तो देखते हैं कितना दूर जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी पूछ लेंगे, अगर अच्छा लगा तो फिर कर लेंगे, बाकी वो सारी चीज़ें आपको अपडेट करेंगे। मौसम ख़राब के कारण हल्का हल्का बूंदाबूंदी बारिश भी स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्या ज़्यादा बारिश होने लगेगा, क्या ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो फिर गीला हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए सेट के पास वेट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं कोलकाता का ट्राम जो कि अभी भी चलता है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलता है, बहुत सारा रूट में नहीं चलता, बस ये इस रूट में एक हो शाम बाजार से एस्प्लेनेड के वाला रूट में ही एक तो ट्राम चलता है, बस यादें ताज़ा है। और ट्राम को ट्रैवल करना चाहते हैं अगर कभी कोलकाता आए थे तो आप कर सकते हैं। बाकी पीछे है हमारा बस आज का 78/1। अभी 10:30 बजे हमको बस मिला है, 11 बजे हमको इंटरव्यू है, देखते हैं आधे घंटा में पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंचा है। कैसे मैप में जब देखें गूगल मैप को 35 मिनट बता रहा है वहाँ पहुंचने में, देखते हैं कब। बस देख सकते हैं पूरा फुल है, देख सकते हैं, और हमको पूरा लास्ट में सीट मिला है, कोना में बैठे हुए हैं। उतर चुके हैं यहाँ अगरपाड़ा साल मेगा पार्ट मार्ट के पास उतर चुके हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा पीछे ही बस से उतर गए हैं, मतलब थोड़ा सा 200 मीटर पीछे होगा। चलिए चलते हैं इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद फिर आपसे मिलते हैं और आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया। फिलहाल मेरा इंटरव्यू हो गया, देख सकते हैं पीछे बैक साइड मारुति सुजुकी अरेना, इसी में आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, देख सकते हैं ये शोरूम। तो अभी के लिए बोला गया सारा इंटरव्यू में यही पूछा गया कि आप इससे पहले क्या कोई सेल्स में काम किए थे, बोला आप क्यों इसमें काम करना चाहते हैं। तो हमने उसको बताया कि जो मुझे कार में इंटरेस्ट है, कार के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो उसने बोला देखिए आपका जो जॉब रहेगा वो शोरूम में नहीं रहेगा। एक्चुअली उन्होंने बताया कि शोरूम में कितना ही जन रोज कस्टमर आते होंगे, आपका काम ये रहेगा कि मार्केट से कस्टमर को ढूंढ के लाना पड़ेगा। फिर हमने बोला हाँ मैम मार्केट से ढूंढ के तो लाएंगे, लेकिन वो मार्केट है कहाँ पे, तुम्हें मिलेगा कहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि जैसे मान के चलिए कौन कौन से प्रोफेशन के लोग कार खरीदते हैं, हमने बता दिया टीचर प्रोफेसर डॉक्टर ये सारे खरीदते हैं। तो उन्होंने बोला कि खरीदते हैं ये लोग, तो ये लोग अगर मान के चले आपको बोला जाए कि आप कस्टमर खोज के लाइए, तो डॉक्टर को अगर गाड़ी खरीदना होगा तो आप उनसे कहाँ जाके मिलेंगे, कहाँ रहते हैं। हम बोले क्लिनिक में मिलेंगे। तो उन्होंने बोला अगर आपको हम बोल दें कि क्लिनिक में जाके आप उनसे बात करें, तो हम बोले ऐसे कैसे हो सकता, उनसे कैसे जाके बात कर सकते हैं, क्लिनिक में जाएंगे बोलेंगे कि सर आपको गाड़ी खरीदना है, ऐसे कोई ना बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला मैं बस एग्जांपल बताया, बोले मैम एग्जांपल तो बताएं, तो बोला कि ऐसे नहीं, ऐसा बात नहीं है, आपका एक टीएल रहेंगे, टीएल आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ से कस्टमर लाना है, कैसे आपको कस्टमर मिलेगा, ये सारी बातें बताया जाएगा। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर बोले कि जो आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन आदमी करते हैं बता दिए, वो सारी चीज़ें बता दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ठीक है हम आपको दूसरे राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद आपको बता दें। उन्होंने पूछा क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, हम बोले देखिए मैम हम तो सैलरी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, तो उतना सैलरी आप देंगे तो नहीं, तो आप कितना देंगे आप बता दीजिए, तो अगर मुझे अच्छा लगेगा मतलब मुझे मैं उतना मैं कर पाऊंगा तो ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं आपका तो सैलरी एक्सपेक्टेशन कुछ होगा, हम बोले मैम
18,000। बोला उतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर उसने फिर मैम ने वो ये मुझे बताया कि देखिए कार सेल्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और उसमें काफ़ी ज़्यादा इनकम हो सकता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि सेल्स का इंसेंटिव काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से आप सैलरी के डबल या ट्रिपल आप कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। बोले वो तो ठीक है मैम, बट सैलरी कितना होगा? तो उन्होंने बोला कि कम मैक्स टू मैक्स आपका 10,000। 10,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं होगा। बोले ये तो सैलरी थोड़ा कुछ ज़्यादा कम है, 10,000 में क्या होगा? फिर बोला अच्छा ठीक है, अभी तो शॉर्टलिस्ट नहीं किए, नेक्स्ट राउंड में आपको कॉल जाएगा इस वीक के अंदर, उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में आइएगा। ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छा ये जॉब कुछ लगा नहीं, क्योंकि देखिए शोरूम में जाके कस्टमर से अगर बात करना होता तो वो ठीक है, वो तो कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं घर गली गली घूमो जाके कस्टमर को, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यही था, अब यहाँ देख सकते हैं, अब उस साइड बस जाके पकड़ना पड़ेगा, उस साइड से बस मिलेगा। एक्चुअली आए थे इस साइड से, जाना पड़ेगा उस साइड से। चलिए कोई नहीं, इंटरव्यू तो हो गया, चलिए रास्ता क्रॉस करते हैं, अब बस पकड़ते हैं और चलते हैं घर की तरफ। बाकी मौसम क्या ही गजब किया, आज क्लाउडी वेदर है, देख सकते हैं क्या ही मस्त सुहाना मौसम कर दिया है। थोड़ा सा भूख लग गया, चलिए कुछ खाते हैं, देखते हैं कहीं अगर दुकान मिलेगा। चलिए रास्ता क्रॉस करते हैं यहाँ पे। रास्ता क्रॉस करते समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर गलत जगह रास्ता क्रॉस कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये देख सकते हैं जूट फैक्ट्री है यहाँ पे। मेरे ख्याल से उस साइड से मुझको बस मिल जाना चाहिए। सामने एक दुकान भी है जो तीन साल यहाँ पर लगा हुआ है, सत्तू का दुकान। ये देखिए आ चुके हैं, कैसी छोटी छोटी गलियों में आ चुके हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ आ गए। चलिए सकते हैं सुनसान गलियों में आ गए इधर। तो ऐसे घाट पे गए, काफ़ी ज़्यादा पैदल घूमे, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ देखने के लिए था नहीं। फिर वापस वहाँ से ऑटो पकड़ के वापस आ गए हैं। ये बीटी रोड है, ये सीधे रास्ता जो इस साइड है वो सोदपुर की तरफ चला जाता है। चलिए 230 नंबर भी जाएगा खन्ना, तो 230 नंबर ही पकड़ लेते हैं। यहीं से स्टैंड है सबका मराठी से अनिकपुर जो तक। तो फाइनली खन्ना मोड़ पे उतर चुके हैं और यहीं पे है मेरा घर सामने बगल में। तो लोग इस ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें।